आप लोग आई होप आप सारे ठीक होंगे एंड हियर आई एम, मैं आ गई वापस। पहले तो अगर आप न्यू हो तो प्लीज जैसलेटर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। ओवर एक्टिंग करता है साला, ओवर एक्टिंग की औलाद। अब तेरे को बराबर होता नहीं क्या बोलने को? चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह से। के बाद मैं अपना इंट्रो करती हूँ। अगर आपने मुझे पहले नहीं देखा है तो आई एम नंदिनी। मैं आज आपको कुछ रिक्वेस्ट आई थी हमारे पास पर्सनल इंस्टाग्राम पे भी और ऐसे भी की मेडिकल कोर्सेज, शारदा यूनिवर्सिटी के मेडिकल कोर्सेज जितने उसके बारे में थोड़ा डिटेल दे रहे हैं, उनके फीस स्ट्रक्चर के बारे में, उनके एडमिशन वगैरह रिगार्डिंग के बारे में बता रही हूँ। तो आज मैं आपको सारे मेडिकल कोर्सेज वगैरह के बारे में बताऊंगी और इसके अलावा आपको कोई भी सेक्टर हो, चाहे कोई भी कोर्स हो जिसके बारे में या कोई भी यूनिवर्सिटी जिसके बारे में आपको जानना होगा, तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करें या आप हमें इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। तो आज की टॉपिक जो है मेनली मेडिकल कोर्सेज के बारे में, तो हम वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले आज मैं आपको बताऊंगी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज और डिप्लोमा कोर्सेज के बारे में कि शारदा में कौन कौन से अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज अवेलेबल है मेडिकल के लिए और हाँ मेडिकल के लिए और अलाइड हेल्थ के लिए। सो शारदा में मेनली MBBS है, BDS है, BTs है, BSc नर्सिंग है, पोस्ट BSc नर्सिंग भी है, GNM है, ऑप्टम है और BSc कार्डियोलॉजिकल टेक्नोलॉजी है, BSc मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी है, BSc मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी है, BSc रेडियोलॉजिकल इमेजिंग टेक्निक्स है और BTech जेनेटिकल इंजीनियरिंग है और भी हाँ और भी कुछ कोर्सेज हैं। सो लेट्स चलो पहले मैं आपको अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज एक्सप्लेन कर दूंगी, उसके बाद मैं मास्टर्स पे आपको जाएंगी और कुछ कोर्सेज के जो PhD वगैरह भी हैं तो उसके बारे में भी आपको बताऊंगी मैं। सो ठीक है, पहले मैं स्टार्ट करती हूँ MBBS के लिए। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी MBBS के बारे में। तो MBBS क्या है? तो MBBS ये डॉक्टरेट डिग्री है जो जिसका फुल फॉर्म है MBBS का, मेनली है बैचलर्स ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर्स ऑफ सर्जरी। तो ये थोड़ा है कि पहले MBBS है बट यहाँ BMBS करके आ रहा है फुल फॉर्म, तो अब इसका तो मुझे आइडिया नहीं है। सो आप MBBS आप शारदा से करो या किसी से भी करो तो ये 5 साल का कोर्स, तो ये शारदा में है और ये क्या बोलते हैं MBBS, ये स्कूल ऑफ मेडिसिन मेडिकल साइंस एंड रिसर्च SMSR, तो स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च SMSR बिल्डिंग है, वो प्रॉपर एक नाम से अलग से बिल्डिंग है, वहाँ MBBS की क्लासेस चलती हैं आपकी। और MBBS का अगर एडमिशन चाहिए तो MBBS ये नीट इज द सिंगल मेडिकल टेस्ट फॉर एडमिशन इन सॉरी फॉर MBBS इन इंडिया। सिर्फ नीट एक लौता एग्जाम होता है MBBS के लिए, चाहे वो आप प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेज में लो, गवर्नमेंट कॉलेज में लो या डीम्ड यूनिवर्सिटीज में लो, किसी भी यूनिवर्सिटी में लोगे तो आपके लिए उसके लिए नीट पेपर आपको देना ही होगा, विदाउट नीट के आप नहीं कर सकते MBBS में। तो पहले शारदा में समथिंग 150 सीट्स थी MBBS की, बट सर लास्ट ईयर से 100 सीट्स और इंक्रीज कर दी गई है, तो 250 सीट्स हैं अभी शारदा में करंटली। तो शारदा में MBBS की फ़ी कितनी है? तो MBBS की फ़ी पर ईयर की 13 लैक्स, तो 13 लैक्स के हिसाब से अगर 5 साल में जाओ तो 65 लैक्स समथिंग फ़ी है। तो 65 लैक्स फी प्लस आपको शारदा में MBBS के लिए, अगर आप शारदा से MBBS कर रहे हो तो आपको इसके लिए शारदा का ही हॉस्टल लेना होगा। शारदा में अपना MBBS के लिए पर्सनली गर्ल्स का हॉस्टल अलग है और बॉयज़ का हॉस्टल अलग है जिसमें सिर्फ MBBS के स्टूडेंट्स अलाउड हैं। तो गर्ल्स के लिए इंदिरा हॉस्टल है जो भी हम आपको दिखाएंगे। और बॉयज़ के लिए मंडेला में ही हॉस्टल, मंडेला के सबसे साइड में एक अपना एरिया हॉस्टल है, वो सिर्फ बॉयज के लिए MBBS के लिए। तो इट्स कंपलसरी कि आपको हॉस्टल लेना होगा शारदा का ही। और MBBS के अपने डिपार्टमेंट की अपनी लाइब्रेरी है, जो अपनी लाइब्रेरी है वो 24 आवर्स खुली रहती है। और मैं रहा बात कि MBBS के हॉस्टल का फ़ी कितना है, तो MBBS के हॉस्टल का, गर्ल्स हॉस्टल का फ़ी समथिंग 3 लाख रुपीस पर ईयर है, हाँ पर ईयर या 10 मंथ्स का है। तो और सिंगल्स में भी शायद 3 सीटर्स रूम्स वगैरह, सॉरी 3 सीटर्स नहीं 2 सीटर्स अवेलेबल है, हाँ
और बॉयज हॉस्टल का भी समथिंग 3 लाख है, तो 3 लाख के बेसिस पे 5 इयर्स का समथिंग 15 लाख, तो समथिंग प्रॉपर आपको हॉस्टल एंड कैंपस की 80 लाख प्रॉपर है पूरे एमबीबीएस कोर्स का। और उसके अलावा आपके अलग एक्सपेंसेस अलग, चाहे वो बुक्स के ले लो या जो भी, तो ओवरऑल आपका 1 करोड़ का खर्चा है एमबीबीएस करने में। और इसके लिए स्टूडेंट्स की क्राइटेरिया क्या है कि एमबीबीएस के लिए आपको क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, तो फॉर नेशनल स्टूडेंट्स एज पर एमसीआई गाइडलाइंस मस्ट बी क्वालिफाइड एंड अलॉटेड थ्रू यूपीडीजीएम, हाँ इट्स उत्तर प्रदेश डायरेक्ट जनरल मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो इसका भी आपको, इसके थ्रू ही आपको, ये लखनऊ में है, जो इसके थ्रू ही आपको एडमिशन मिलेगी एमबीबीएस में, क्योंकि आप नीट दोगे तो नीट के बाद आपको स्टेट बोर्ड में भी वो होगा, तो आपको ये करना होगा शारदा में, क्योंकि शारदा यूपी में आती है, तो इसके लिए यूपी का तो हो चाहिए। और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जो भी आप अलग अलग कंट्रीज का, जैसे इंडिया में नेट है तो अलग अलग कंट्रीज का अलग अलग मेडिकल होता होगा, तो वैसे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जो 50% जो भी क्वालिफिकेशन के एग्जामिनेशन होंगे उनमें उनको 50% मार्क्स होने चाहिए फॉर एडमिशन, और जो सब्जेक्ट्स होती है वो होनी चाहिए एमबीबीएस। तो अब मैं आपको बताती हूँ एमबीबीएस के बाद बीडीएस के बारे में। जो बीडीएस है बैचलर्स ऑफ डेंटल सर्जरी का, ये भी 5 साल का कोर्स है, और ये भी आपको नीट के थ्रू एडमिशन लेना होगा इसके लिए भी, और इसके भी क्राइटेरिया है एडमिशन के लिए जो एमबीबीएस की तरह ही है। तो ये भी 5 साल का कोर्स है, और इसका पर ईयर का फी आपको 3.65 लाख, तो हाँ साढ़े तीन लाख प्लस है इसका पर ईयर का फी। और इसके लिए शायद हॉस्टल कंपलसरी नहीं है कि आपको कैंपस का हॉस्टल लेना होगा बीडीएस के लिए, बट पहले कंबाइंड था हॉस्टल बीडीएस वालों का और एमबीबीएस वालों का, बट अब शायद सीट्स जो इंक्रीज हुए तो इंजीनियरिंग का हॉस्टल्स अलग हो गया, तो आपको कंपलसरी नहीं है कि आपको इंदिरा या मंडेला ही लेना होगा, तो आप दूसरा हॉस्टल भी शायद प्रेफर कर सकते हो। तो अब मैं बताती हूँ डेंटल की बात हो गया आपका। नर्सिंग में आपको बीएससी नर्सिंग है जो ग्रेजुएट प्लस नर्सिंग है, इसके अलावा जीएनएम में जो डिप्लोमा कोर्स है जो भी नर्सिंग में ही आता है, तो और उसके बाद हो गया बीएससी नर्सिंग यानी कि पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग। तो आपको मैं सारे नर्सिंग के बारे में बताऊंगी, तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ बीएससी नर्सिंग के बारे में। तो ये सारे जितने नर्सिंग ब्रांच है ये स्कूल ऑफ नर्सिंग साइंस एंड रिसर्च यानी कि एसएनएसआर डिपार्टमेंट में आता है नर्सिंग का। तो सबसे पहले बीएससी नर्सिंग, तो बीएससी नर्सिंग 4 साल का कोर्स है, चाहे आप यहाँ से करो या कहीं भी वो ग्रेजुएट भेजते हैं, तो कहीं मतलब 4 ईयर का ही कोर्स है, और इसका शारदा में पर ईयर का फी 1.5 लाख समथिंग है पर ईयर, 1.5 to 1.6 लाख। और इसमें आपको एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, तो आपका इसमें 12th में पीसीबी कंपलसरी चाहिए, 10+12 बायो से ही होना चाहिए आपका, और मिनिमम आपको 50% मार्क्स होने चाहिए पीसीबी में, तीनों सब्जेक्ट में 50% मार्क्स आपके होने चाहिए, और प्लस आपको इंग्लिश भी कंपलसरी है, इंग्लिश में 45% मार्क्स कम से कम मिनिमम होना चाहिए, और आपका एज सर्टिफिकेट के हिसाब से 17 होना चाहिए, 17 से ज़्यादा के अगर आप हो तो आपके एडमिशन नहीं, आपके एडमिशन पॉसिबल है, मिनिमम एज 17 होना चाहिए, मैक्सिमम 34 समथिंग है। तो आपको बीएससी नर्सिंग के लिए स्टूडेंट्स का क्या है कि नेशनल स्टूडेंट्स को तो बस पीसीबी हो, 50% मार्क्स हो, तो आपका एडमिशन हो जाएगा, बट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का क्या, तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए भी क्वालिफिकेशन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन होगी, वो आपको क्लियर करना होगा, प्लस आपको 50% मार्क्स होने चाहिए आपके प्रोग्राम के सब्जेक्ट के हिसाब से, तो ये भी है। प्लस उसके बाद बीएससी नर्सिंग के बाद मैं आपको बताती हूँ जीएनएम के बारे में, तो जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी के बारे में, शायद अब इसकी मान्यता नेक्स्ट इस बैच से, ये बैच शायद लास्ट थी, तो अब इसमें एडमिशन शायद पॉसिबल नहीं है, बट फिर भी मैं आपको जीएनएम के बारे में बताती हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी जीएनएम कर रहे हैं, और जीएनएम के बारे में मैं, चलो ठीक है मैं आपको बताती हूँ।
तो जीएनएम 3 साल का कोर्स है, तो जीएनएम में पर्स शारदा में 90,000 to 1,20,000 तक फी जाता है। तो फर्स्ट तीनों साल के अलग अलग फीस जाते हैं हर कोर्सेज के, थोड़े अप डाउन 10,000 के समथिंग डिफरेंस है। तो आपको जीएनएम के लिए आपको एलेक्जोमेटिक क्या चाहिए, तो आपको इसके लिए आईएनसी गाइडलाइंस यानी कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल इसके गाइडलाइंस के हिसाब से 10+12 होना चाहिए। चाहे आप कॉमर्स से हो, आर्ट्स से हो, साइंस से हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जीएनएम के लिए। और जीएनएम लेकिन आप किसी भी स्ट्रीम से हो, आपका मार्क्स 50% होना चाहिए और आपका मिनिमम A17 होना चाहिए। और आप चाहे कोई भी फील्ड से हो, इससे जीएनएम में कोई खास नहीं है क्योंकि कोई भी कर सकता है जीएनएम। तो इसके बाद जीएनएम हो गया, तो जीएनएम के बाद 3 साल का कोर्स है, बट ये डिप्लोमा इसमें आपको ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं मिलती है। तो जीएनएम के बाद अगर आपको ग्रेजुएशन करना है, तो ग्रेजुएशन के लिए मतलब ग्रेजुएट की डिग्री भी चाहिए। तो इसके बाद जीएनएम के बाद 2 साल का कोर्स है जो बीएससी पोस्ट बेसिक है, जो मतलब मेनली जीएनएम के बाद ही लोग करते हैं, जो जो भी शारदा में पॉसिबल है वो भी SNSR के अंदर ही आती है। और इसके लिए एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, कहीं से भी आप नेशनल स्टूडेंट होने चाहिए जीएनएम के, और 50% आपका मार्क्स जीएनएम में होना चाहिए, तभी आपका PBBSC नर्सिंग में आपका एडमिशन हो। ठीक है, तो अब मैं आपको बताती हूँ इसके अलावा जो अलग कोर्सेज हैं जो SMSR में भी आते हैं, SNSR में और साहस में भी आते हैं, यानी कि स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस, स्कूल ऑफ नर्सिंग। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो अब और जो बैचलर की कोर्सेज है जो मेडिकल में आते हैं, जिनका आइडिया पर्सनली मुझे भी नहीं था, तो उसमें मुझे बहुत रिसर्च करना पड़ा। तो प्लीज आप मेरे रिसर्च को थोड़ा रिजल्ट दें, और प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और अपना प्यार दिखाएं। और अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट भी करना और शेयर भी करना। तो मैं आपको और कोर्सेज बताऊँ, तो बैचलर की ऑप्टोमेट्री, तो ऑप्टोमेट्री क्या है, तो ऑप्टोमेट्री आई से रिलेटेड है, जो स्कूल ऑफ अलाइड साइंस अलाइड हेल्थ साइंस यानी कि साहस जो है डिपार्टमेंट उसमें आता है। ये भी 4 साल का कोर्स है और इसमें भी 1.3 लाख तक की फी है, और इसके लिए भी आपको कोई हॉस्टल वॉस्टल कुछ सीन नहीं है, ये आपकी मर्जी है, आप अप डाउन करो, यहाँ रहो, बाहर रहो, उससे कोई मतलब नहीं पड़ता है। ये भी लेकिन मेडिकल कोर्स में ही आता है। और इसके बाद आपके नेशनल स्टूडेंट्स, इसमें आपको क्या क्या चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, इसमें आपको नेशनल स्टूडेंट्स को 10+2 विद बायो होना चाहिए, इसमें भी PCB कंपलसरी है विद 50% मार्क्स, और इंटरनेशनल का समथिंग ऐसा कुछ सीन नहीं दिया था इसमें, तो मुझे इंटरनेशनल का आइडिया नहीं है। इसके बाद मैं आपको बताऊँ तो BSc कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजी है, सॉरी ये भी साहस यानी कि स्कूल ऑफ अलाइड हेल्थ साइंस में ही आती है। ये भी 4 साल का कोर्स है, इसका भी फी 1.3 लाख पर ईयर है, और इसमें भी 10+2 विद बायो होना चाहिए विद 50% मार्क्स। और इसके बाद BSc मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी है, ये भी साहस स्कूल ऑफ अलाइड हेल्थ साइंस में आती है, ये भी 4 साल का कोर्स है, और इसका फी भी समथिंग 1.3 लाख to 1.4 लाख है, और इसमें आपको PCB कंपलसरी नहीं है, इसमें आपको PCMP हो सकता है 10+2, और इसका 50% मार्क्स इसमें भी आपको होना चाहिए। इसके अलावा BSc मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी है, जो भी साहस में आती है स्कूल ऑफ अलाइड हेल्थ साइंस, तो वो 3.5 ईयर्स का कोर्स है, और इसका पर ईयर का फी 1.3 लाख समथिंग है, और इसका भी 10+2 विद बायो होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। फिर इसके बाद आता है BSc रेडियोलॉजिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी, ये भी साहस में आता है, तो ये भी 3.5 ईयर्स का कोर्स है, और इसका फी समथिंग 1.4 लाख to 1.5 लाख है, और थोड़े बहुत अप डाउन्स भी हैं इसके, क्योंकि हर कोर्सेज का अलग अलग ईयर अलग अलग फी चार्जेस करती है शारदा, तो कोई फिक्स अमाउंट नहीं है कि आपका 2 साल पहले जो फी लगा वही आज भी होगा, तो इसमें थोड़ा बहुत डिस्काउंट जाता है। और इसके लिए क्वालिफिकेशन आपको PCM एंड PCB बोथ है, और 50% मार्क्स है, BSc रेडियोलॉजिकल इमेजिंग टेक्निक्स। यस, सो BSc का यहाँ हम कम्प्लीट करते हैं। अब BSc, थैंक यू, आपका ये उपकार जिंदगी भर याद रहेगा मुझे। इसी के बाद में आपको बताती हूँ MSc के बारे में। सो MSc के कोर्सेज के बारे में आपको मैं सबसे पहले MD के बारे में बताऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट MD। सो आफ्टर बैचलर में आपको पोस्ट ग्रेजुएट के बारे में बताऊंगी। पोस्ट ग्रेजुएट हो गया, जो आप ग्रेजुएशन की बात करते हो, तो पोस्ट ग्रेजुएशन में शारदा के पास MBBS के बाद भी MD भी है, BSc नर्सिंग के बाद MSc नर्सिंग भी है,
बीपीटी के बाद एमपीटी भी है और बीडीएस के बाद एमडीएस भी है। तो आपको सबसे पहले एमएससी नर्सिंग है और फिर एमएससी जनरल सर्जरी है, फिर एमडी जनरल मेडिसिन है, फिर एमडी रेडियोजिलोसिस है, एमडी एस्थेसियोलॉजी है, एमडी पेडियाट्रिक्स है, एमएस ऑर्थोपेडिक्स है, एमएससी नर्सिंग सीएचएन में है यानी कि, और एमपीटी है, एमडीएस है। तो एमएस पहले मैं आपको सारे एमडी के बारे में बताती हूँ। तो इन एमडी, तो एमडी हो गया आपका एमबीबीएस के बाद के कोर्सेज के, सॉरी एमबीबीएस के बाद लोग एमडी जनरली करते हैं, बहुत लोग करते भी है, बहुत नहीं भी करते हैं। तो एमडी 3 साल का कोर्स है, चाहे आप एमडी पेडियाट्रिक्स में करो, एमडी जनरल मेडिसिन में करो, एमडी रेडियोजिलोसिस में करो, एमडी एस्थेसियोलॉजी में करो, और भी एमडीज के बहुत सारे ब्रांचेस हैं। तो एमडी सारे जितने भी हैं तो वो 3 साल के कोर्स है, तो 3 साल में, और इसका पर ईयर का फीस समथिंग 25 लाख पर ईयर है, तो यानी कि 3 साल का 75 लाख फी है इसका। और ये SMSR में होता है, स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च, और एमएस जनरल सर्जरी वो भी SMSR में होता है, और ये भी 3 साल का कोर्स है और ये भी 25 लाख पर ईयर है, तो ये भी 75 लाख में आता है और ये भी MBBS के बाद होता है। इसके बाद जो आफ्टर MD मैं आपको बताती हूँ MDS के बारे में। तो MDS है मेडिकल, सॉरी मास्टर्स ऑफ डेंटल सर्जरी, जो BDS के होते हैं, डेंटल स्टूडेंट्स होते हैं, उनके लिए ये कोर्स है, और ये कोर्स भी समथिंग 3 साल का है, और इसका आपको शारदा स्कूल ऑफ डेंटल साइंस जिसमें BDS की क्लासेस होती है और MDS की क्लासेस भी उसमें ही होती है, और जो प्रॉपर शारदा का डेंटल हॉस्पिटल है वो भी वही है, क्योंकि जो BDS करते हैं, MDS करते हैं, वो इंटर्नशिप भी जो प्रैक्टिस करते हैं वो उसी में करते हैं, तो प्रॉपर वही है, एक अलग ही बिल्डिंग है वो। और उसका पर ईयर का फी आपका MDS का 7 लाख रुपीज है और BDS का 3.65 लाख था, वो भी मैंने आपको बताया था। तो यही है, उसके बाद मैं बताती हूँ आपको BPT के बारे में। तो नहीं BPT मैंने आपको बताया था, बैचलर इन फिजियोथेरेपी। तो अब मैं आपको BPT के बाद बताती हूँ MPT के बारे में। तो MPT 2 साल का कोर्स है, मास्टर्स इन फिजियोथेरेपी, ये साहस यानी कि स्कूल ऑफ अलाइड हेल्थ साइंस में होता है, और ये 1.5 लाख पर ईयर फी है इसका, हाँ MPT का। और MPT के बाद आपको मैं बताती हूँ MSc नर्सिंग के बारे में। तो MSc नर्सिंग भी शारदा में है, ये भी SNSR में आता है, SNSR इज इक्वल टू स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड रिसर्च। तो SNSR, तो MSc नर्सिंग में आपको अलग अलग इसके भी, MSc नर्सिंग में भी अलग अलग ये डिपार्टमेंट्स है, जैसे आप कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से MSc कर सकते हो, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग से कर सकते हो, ऑबस्ट्रिक्स एंड गायनोकोलॉजी कर सकते हो, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग हो सकती है। तो ये सारे नर्सिंग आपके कोर्सेज 2 साल के, और इनका समथिंग 1.3 लाख पर ईयर आपका फी है। हाँ, तो एलिजिबिलिटी आपको BSc नर्सिंग और पोस्ट BSc नर्सिंग विद 55% मिनिमम मार्क्स होना चाहिए। तो आपका, और इसके साथ एक और बात है कि आपका 1 साल वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, चाहे आप पोस्ट BSc नर्सिंग से हो या आप BSc नर्सिंग से हो, 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए ही चाहिए मास्टर्स के लिए, चाहे आप प्राइवेट में एडमिशन लो या गवर्नमेंट में एडमिशन लो। और रजिस्ट्रेशन भी आपका किसी स्टेट नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल से होना चाहिए, तभी आपको मास्टर्स में एडमिशन मिलेगा। तो आपको मैंने अभी तक ग्रेजुएट के बारे में बताया, और इसके बाद मैं आपको पोस्ट ग्रेजुएट के बारे में भी बताऊंगी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप कॉलेज दुनिया जो वेबसाइट है आप वहाँ से देखो, प्लीज जाके आप चेक कर सकते हो, अगर आपको मेरे बारे में मेरे किसी भी बात पर डाउट हो तो, क्योंकि मैंने मोस्ट ऑफ दी डिटेल्स वहीं से दिए हैं और मुझे कॉलेज दुनिया पर्सनली भी पसंद है। तो क्योंकि उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, चाहे आप मेडिकल कोर्सेज के बारे में लो या अदर कोर्सेज के बारे में लो, वो आपको सारे डिटेल्स देते हैं। तो कॉलेज दुनिया का लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहां से जाके चेक कर सकते हो। और हमें कॉलेज दुनिया ने हमें मेल भी आया था कॉलेज दुनिया का, तो इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि अगर आप जाके वहां से चेक कर सकते हो, बात बात की डिटेल्स जो भी है वो हम आपको बता देंगे। और आपको और भी कोई डाउट्स हो या और भी किसी रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं,
और प्लीज वीडियो को लाइक करें। तो जैसे कि आपको नंदिनी बताई आपको MBBS के बारे में और सारे मेडिकल कोर्स के बारे में आपको स्प्लेन की है, तो एक्चुअली हमारा जो मोटिव है ये चैनल लाने का कि अगर मानो कि किसी कल एग्ज़ाम है तो कल बहुत बच्चे पढ़ते नहीं हैं, कुछ भी काम हो सकता है, जो क्रिकेट पसंद है वो क्रिकेट खेलते हैं, मतलब अपना अलग कैरियर में देखते हैं, तो उनके लिए भी लाने वाले ये चैनल एक्चुअली है ये कि सिर्फ हम मैं नहीं कर सकता, ये सारे स्टूडेंट्स, मतलब स्टूडेंट भी कर सकते हैं, टीचर्स भी कर सकते हैं, जनरली टीचर नहीं जो कॉलेज में पढ़ाते हैं, जो नॉर्मल होते हैं, जो मदद करना चाहते हैं, हेल्प करना चाहते हैं, जिसको वीडियो में इंटरेस्ट होता है कि हाँ मैं वीडियो बनाऊंगा, तो या तो उस टाइप के स्टूडेंट्स और टीचर्स और जो वीडियो बनाएं जो कि कोर्स दे, जैसे कि मान लो कि एजुकेशन वीडियो है, जैसे कल एग्ज़ाम है, जैसे अभी बताया मैंने कि कल एग्ज़ाम है तो हमारे पास वीडियो हो तो चैनल पे आए तो उसको सारा वीडियोस मिल जाए, तो एक्चुअली अकेले तो मैं नहीं कर सकता, अगर अकेले मैं सारे कोर्स का वीडियो बना भी नहीं सकता, अगर बनाना भी चाहे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो इतना टाइम तो आजकल कोई नहीं रखता, तो अगर एक जगह पे वीडियो हो काफ़ी लोग आते हैं, तो अभी सबको मिलकर अगर हम वीडियो दें और एडिटिंग काम मेरा है, सिर्फ आपको वीडियो शूट करना है, शूट करके मुझे देना है, बाकी मैं करूँगा, और जितनी भी अर्निंग होगी आपके वीडियो में वो आपका होगा पूरा, फिर वैसे क्या होगा कि पूरे कोर्स का वीडियो होगा, अब कौन कौन सा कोर्स हो सकता है, किस किस टाइप का आप वीडियो बना सकते हो, पहला थी कॉलेज व्यू, कॉलेज ब्लॉग, मतलब कॉलेज रिलेटेड कुछ भी हो, जैसे टेक्निकल भी हो सकता है, डांस का भी हो सकता है, मतलब कंपटीशन टाइप का, या फेस हो गया, या कोरस हो गया, इस टाइप के जितने भी होंगे कॉलेज रिलेटेड ये हो गया। फिर आता है स्कूल का व्यू, पहले स्कूल बच्चों का भी क्लास नहीं कि बच्चों का ट्यूशन चलता है तो नॉर्मल है, लेकिन जो ज़रूरत का चीज़ है वो करेंगे, तो स्कूल में आपका स्कूल का रिव्यू हो गया, स्कूल का टूर हो गया, ये हो गया, स्कूल का कोई फेस वगैरह तो ये कर सकते हैं। फिर आता है कि मोटिवेशनल वीडियो, जिससे मानो कभी कभी होता है ना कि पढ़ते पढ़ते मन उग गया या मन नहीं लग रहा है या लाइफ में कुछ करने का ये नहीं वगैरह, तो मोटिवेशनल वीडियो हो तो वो भी। फिर आता है कोर्स, मतलब कॉलेज में जितने भी कोर्स हो, चाहे वो मास मीडिया हो गया, चाहे बीटेक हो गया, MBBS हो गया, ये सारे कोर्स का वीडियो आप बना सकते हो। नेक्स्ट वीडियो हम लोग इस पर ही बनाने वाले हैं, तो अभी मैं बस मैं आपको ये इंट्रो दे रहा हूँ कि आप प्लीज जाके वो देखें, और इंटरेस्टेड हो तो कमेंट में बता दे या इंस्टा पे DM कर दे या मेल भी कर सकते हो, तो फिर मिलते हैं साथ में चलाते हैं चैनल। मस्त प्लान है।